स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा सरकार कर रही है। साथ ही आपको बताने वाले हैं कि सरकार की ओर से नई और पुरानी सभी योजनाओं के बारे में जो हरियाणा वासियों के लिए बेहद कल्याणकारी है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की लंबे समय से चली आ रही एक मांग आज पूरी हो गई है। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों पर पीएम मोदी ने 25 सितंबर को घोषणा की कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा, जिसका विधिवत आज उद्घाटन भी हो गया है। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में नाम बदल दिया गया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को देशवासियों से अपने मन की बात की और इस बार प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम का 93वां एपिसोड था। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा था कि शहीद भगत सिंह जयंती पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह के नाम से ही जाना जाएगा। लंबे समय का इंतजार और विवाद खत्म हुआ, चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और विधिवत रूप से एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया। 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ले, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाए, यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। शहीदों के स्मारक, उनके नाम पर स्थानों और संस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की ये घोषणा वाकई माँ भारती के निडर सपूत शहीद सरदार भगत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि यहां का जो एयरपोर्ट है उसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखने का फैसला हो गया है, जिसकी आप मन की बात में जिसकी उन्होंने घोषणा भी की है। विधिवत अब कल उनका जयंती का दिन है शहीद भगत सिंह जी का, तो इस दिन विधिवत उसका नाम शहीद भगत सिंह हो जाएगा। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। शहीद भगत सिंह की जयंती पर आयोजित समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से उनकी मुलाकात हुई तो उनसे एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने को लेकर बातचीत हुई। दोनों प्रदेश चाहते थे कि इसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर हो। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी धन्यवाद किया। साथ ही बताया कि हरियाणा की चिट्ठी को दिल्ली भेजा गया और इसके बाद जो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई तो उनसे आग्रह भी किया गया। दोनों प्रदेश का साझा एयरपोर्ट आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेंगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि यहाँ एक ऐतिहासिक मूर्ति की स्थापना की जाए जिसे लोग नमन करें। आज स्वतंत्रता सेनानी जिसने इस देश की आजादी के अंदर एक अहम भूमिका निभाने का काम किया और जो बलिदान उनका है, मुझे लगता है युवा पीढ़ियों के लिए अपने आप में प्रेरणा स्वरूप। मैं तो एक चीज जरूर उनकी पढ़कर आपको बताना चाहूंगा कि शहीद भगत सिंह जी ने कहा था कि इट इज इजी टू किल एन इंडिविजुअल बट यू कैन नॉट किल एन आइडिया। एक बहुत बड़ी बात है और जो उनका सपना था इस
देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना, मुझे लगता है कि उस आइडिए को वो हमारे बीच में, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर बगावत करने की बात हो, चाहे अंग्रेजी हुकूमत के साथ अलग अलग जगह टक्कर लेने की बात हो, उन्होंने हमारी नई पीढ़ी के अंदर पैदा करने का काम किया। और आज उसका नतीजा है कि एक और पर हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 73 वर्ष मना रहे हैं, वही एक ऐसा कदम आज उठाने का काम कर रहे हैं जो इस चंडीगढ़ के हमारे इस एयरपोर्ट को, तीनों यूनियन टेरिटरी दोनों प्रदेशों की साझी चीज को आज उस महान व्यक्तित्व, उस स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह जी के नाम पर करने का काम कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार का और खासतौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि एक रेजोल्यूशन, एक बैठक और एक विचारधारा की एकता हरियाणा और पंजाब ने कही। पिछले दिनों भगवंत मान जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मेरी उनसे पहली बैठक हुई और हमने ये आग्रह किया कि दोनों का मन एक है कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर होना चाहिए, मगर कई सालों से कागजी मतभेद विवाद के कारण ये निरंतर पेंडिंग पड़ा और ये ऐतिहासिक वर्ष है जब 115 साल हम शहीद भगत सिंह जी के जन्म के मनाने का काम कर रहे हैं। और आज हमें ऊपर उठकर इस फैसले को लेना पड़ेगा कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाए। और मैं तो धन्यवाद करूंगा भगवंत मान जी का कि इनने चिट्ठी दिल्ली भेजी, हरियाणा ने चिट्ठी दिल्ली भेजी और 19 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मुझे मिलने का मौका मिला और मैंने उनसे आग्रह किया कि इस अमृत महोत्सव में जब हरियाणा पंजाब दोनों, बड़ा और छोटा भाई दोनों मन एक बना चुका है कि इस एयरपोर्ट का नाम इस महान शहीद के नाम पर होना चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यह निर्णय तुरंत लिया और 25 तारीख को ये अनाउंस किया। और मैं निर्मला जी का, विजय सिंह जी का आभार प्रकट करूंगा कि दोनों दिल्ली से आए इस ऐतिहासिक 115वीं जयंती के अवसर पर कि आकर उस महान व्यक्तित्व के नाम पर आज हमारा ये दोनों प्रदेशों का साझा एयरपोर्ट उस महान व्यक्तित्व के नाम पर चले। और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ हम ये नामकरण, स्टैचू बनाना ये महान व्यक्तित्व के लिए इसलिए करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी उन महान व्यक्तित्व को इसी प्रकार से याद रखती रहे, उनसे प्रेरणा लेती रहे। हमारे उम्र के युवाओं ने तो पढ़ा पढ़ा है, आप लोगों ने तो उस समय बुजुर्गों से सुना समझा होगा कि किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे एक एक ऐसे क्रांतिकारी के पीछे पड़कर और उनको जबरन फांसी चढ़ाने का काम किया, गोली मारने का काम किया। और मेरे लिए ये सौभाग्य है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जब 15 साल की आयु में थे तो उन्हें भगत सिंह जी की स्नान परेड में खड़ा हो किया गया। और इस ऐतिहासिक अवसर पर जहाज उनके नाम पर इस टर्मिनल बिल्डिंग को हम करें, मैं ये मानता हूँ कि आज ऐसे लोग जिनको स्नान परेड या अलग अलग जगह प्रताड़ित किया गया, शहीद भगत सिंह जी को ढूंढते वक्त आज उनके परिवारों में ये घर की खुशी होगी कि उस अमर आत्मा को आज हमने अमर करने का काम किया। वही चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नामकरण समारोह में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी सभी को बधाई देते हुए कहा कि शहीद आजम भगत सिंह का नाम सुनते ही शरीर में रक्त दौड़ने लगता है। शहीद भगत सिंह एक ऐसे युवा थे जिन्होंने देश को जागृत करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। देशभक्ति से ओतप्रोत देश को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए कई महानुभाव ने अपने बलिदान और प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह का नाम उनमें आदर और सम्मान से लिया जाता है। आज वो हमारे दिलों और दिमाग में बसे हुए हैं। आज हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर रखा जा रहा है। मैं इसके लिए हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भगत सिंह का नाम
खाते ही धमनियों में रक्त दौड़ने लगे, आंखों के आगे उस युवा का चेहरा जिसने सारे देश को जागृत करने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो आंखों के सामने नजर आने लगा। देशभक्ति की भावना से व्यक्ति ओतप्रोत हो और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत आदमी अपना एक एक काम देश आगे बढ़े उसके लिए करना चाहते हैं। देशभक्ति आने से जो बीमारियां लग जाती हैं, बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये सब समाप्त हो जाए और देश को आगे बढ़ाने में सभी मिलकर काम करते हैं। हमारे देश को गुलामी की भागों से आजादी दिलाने के कई महानुभावों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें शहीद भगत सिंह का नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। अमर सिंह भगत सिंह जी आज हमारे बीच में और हमारे दिलों दिमाग में बसे हैं। आज हम एक फिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रख रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अमर शहीद के जज्बे और बहादुरी को याद रख सकें। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को लेकर 2008 से विवाद चल रहा था। 25 मार्च 2008 को पंजाब विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय सिविल एयर टर्मिनल चंडीगढ़ का नाम शहीद आजम सरदार भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली करने का गैर आधिकारिक प्रस्ताव पास हुआ था। हरियाणा विधानसभा ने भी 28 जून 2010 व 10 सितंबर 2010 को अंतर्राष्ट्रीय सिविल एयर टर्मिनल चंडीगढ़ का नाम भगत सिंह के नाम पर करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन विवाद ये था कि पंजाब सरकार एयरपोर्ट के पीछे मोहाली जोड़ना चाहती थी, जबकि हरियाणा सरकार इसे चंडीगढ़ ही रहने देना चाहती थी। 18 मार्च 2016 को नगर विमानन राज्य मंत्री ने पंजाब व हरियाणा सरकार को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नए सिविल एयर टर्मिनल का नाम भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ के नाम पर रखा जाए, इसके लिए तीनों राज्यों पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ की सहमति जरूरी है, दोनों राज्यों की विधानसभाएं एक नया संकल्प पारित करें। हरियाणा विधानसभा ने 8 अप्रैल 2016 को विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय को लिखा कि नए सिविल एयर टर्मिनल का नाम शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ के नाम पर रख दिया जाए, लेकिन पंजाब ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था। हालांकि दोनों की तरफ से कई दौर की बातचीत हुई, पंजाब और हरियाणा सरकार की तरफ से प्रयास लगातार किए गए और आखिरकार चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम को लेकर सहमति बन गई और एयरपोर्ट के नाम के पीछे MCP जोड़ने पर सहमति बनी। M मतलब की मोहाली, C मतलब चंडीगढ़ और P मतलब पंचकुला। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 तारीख को ऐलान कर दिया कि शहीद आजम की जयंती पर इसका नाम बदल दिया जाएगा और ये एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह के नाम से ही जाना जाएगा। कार्यक्रम की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के अलावा दोनों राज्यों के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और BL पुरोहित भी मौजूद रहे। साथ ही सांसद किरण खैर के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा डायरी में आगे बढ़ेंगे। गोवा मुक्ति आंदोलन में आहुति देने वाले मास्टर कर्नल सिंह बेनीपाल की पत्नी को सम्मानित करने गोवा के सीएम अंबाला के गांव बडोला पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने 10 लाख रुपए का चेक कर्नल सिंह की पत्नी चरणजीत कौर को दिया। ये रिपोर्ट देखें।
पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अनसंग शहीदों को याद किया जा रहा है। गोवा भी अपनी आजादी के 60 वर्ष मना रहा है। गोवा मुक्ति आंदोलन में आहुति देने वाले मास्टर कर्नेल सिंह बेनीवाल की पत्नी को सम्मानित करने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अंबाला के गांव बडौला पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 10 लाख का चेक कर्नेल सिंह की पत्नी चरणजीत कौर को दिया। उन्होंने कहा कि गोवा में कर्नेल सिंह के चर्चे आम हैं। उनकी सरकार आगे भी जो परिवार की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नेल सिंह ने गोवा को आजाद करवाने की लड़ाई में गोली खाई थी और वो शहीद हो गए थे। उनका गोवा में स्टैचू लगाया गया है। परिवार ने पात्रा देवी रोड का नाम मास्टर कर्नेल सिंह के नाम पर करने की मांग रखी है, जिस पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वो इसलिए खुद परिवार से किया वायदा पूरा करने चरणजीत कौर से मिलने आए हैं। माता चरणजीत के भाई उस 15 अगस्त के फंक्शन में वहाँ पे आए, उनको हमने सम्मानित किया और तभी माता चरणजीत कौर की हमने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हम माता जी को देखने के लिए जरूर यहाँ पे आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। उनको हमने 15 अगस्त के फंक्शन में प्रवेश किया था। तो इसी के तौर पर आज मैं गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा के सरकार की तरफ से मैं उनको सम्मानित करने के लिए और खुद उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आया। मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि जो मैंने कर्नल बेनीपाल सिंह जो गोवा के लिए शहीद हो गए, उनके मैं उनके पत्नी के पास यानी उनका आशीर्वाद लेने यहाँ आया, ये मेरा सौभाग्य है। बेनीपाल कर्नल बेनीपाल जी के लिए आज तक हमने सिर्फ मैंने उनको डायरेक्ट बेनिफिट तो हम कुछ नहीं दे सके थे, तो उनका वहाँ पे स्टैचू और स्कूल में एक स्टैचू लगाया था। आज हमने गोवा सरकार की तरफ से उनको 10 लाख रुपए की मदद उनको दे दी है और अभी जैसे कि उनके फैमिली ने डिमांड किया है वहाँ पे जो एक रोड पत्रा देवी की तरफ जाएगा, हमारे न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाएगा, उस रोड के लिए उनका नाम देना है। डेफिनेटली उसके ऊपर हम सोचेंगे, उसको नाम भी हम कर्नल बेनीपाल सिंह का नाम उस रास्ते को देंगे, क्योंकि उस रास्ते से जहाँ पे वो शहीद हुए वहाँ से जो रोड निकलेगा और उनसे इससे आगे भी कभी भी मैंने माता कौर को और कुछ मदद लगी तो सरकार की तरफ से हम हमेशा के लिए उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा की आजादी के लिए शहादत देने वाले ज्ञात और अज्ञात शहीदों की याद में पात्रा देवी में शहीदों की याद में मेमोरियल बनाया जा रहा है। पात्रा देवी के सरकारी स्कूल में शहीद कर्नेल सिंह बेनीवाल का स्टैचू भी बनाया गया है। इसके अलावा गोवा सरकार गोवा मुक्ति में शामिल शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी कर रही है। आजादी का अमृत काल और गोवा का 60th लिबरेशन डे हमने रिसेंटली बनाया, गोवा एट रेट 60 और गोवा एट रेट 60 मनाते वक्त और आजादी का अमृत काल में 15 अगस्त के फंक्शन में हमने इस बार सोचा था कि गोवा के फ्रीडम स्ट्रगल में जितने शहीद हो गए उन सभी शहीदों का यानी हम सम्मान करेंगे, उनके फैमिली को बुला के उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर हम देंगे और जो कुछ हम उनकी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। मुझे पता है कि गोवा फ्रीडम स्ट्रगल में मोमेंट में पूरे भारत देश में से यानी कोई पंजाब में से, कोई बिहार में से, कोई वेस्ट बंगाल में से उस 15 अगस्त 1955 के जो सत्याग्रह था गोवा विमुक्ति मंच ने जो आह्वान किया था उसी के आह्वान पे पूरे देश भर में से फ्रीडम फाइटर्स वहाँ आए थे। लेकिन यानी जो फ्रीडम फाइटर्स बाहर से आए थे गोवा से, गोवा सरकार की तरफ से उन्हें ज़्यादा कुछ हम ने सम्मानित नहीं कर पाए थे या ज़्यादा कि उनको पेंशन गोवा सरकार की तरफ से न दे सके थे, तो कम से कम हम उनको सम्मान करते, इसी बहाने हमने उनको आह्वान किया। आपको बता दें भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। गोवा को आजादी 19 दिसंबर 1961 को मिली। 1955 में गोवा विमोचन समिति ने गोवा को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त करवाने के लिए देश भर के आंदोलनकारियों का आह्वान किया। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने जब गोवा की तरफ से कूच किया तो सबसे आगे सरोजनी राय थीं। पुर्तगालियों ने जब सरोजनी राय पर गोली चलाई तो हरियाणा के कर्नेल सिंह बेनीवाल आगे आए। उन्होंने पुर्तगालियों को ललकारा और कहा कि महिला पर गोली चलाने के बजाय एक पुरुष के सीने पर गोली चलाओ। तब पुर्तगालियों ने उन पर गोली चला दी और कर्नेल सिंह शहीद हो गए। इस दौरान करीब 30 शहीदों ने अपनी शहादत दी और उन्हीं शहीदों को आजादी के अमृत महोत्सव के जरिए भी याद किया जा रहा है।
अगर आप शिक्षक के तौर पर नौकरी करना चाहते हैं तो अगली खबर आपके लिए है। दरअसल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोग ने टीजीटी के 7,471 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने वाले योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देखिए, हरियाणा की युवाओं के लिए खुशखबरी, अब टीजीटी पदों के लिए होंगी बंपर भर्तियां। 7 साल के बाद निकली बंपर भर्तियां। एचएसएससी ने निकाली टीजीटी में 7,471 भर्तियां। हरियाणा के युवाओं को हरियाणा सरकार की ओर से सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से दिया जा रहा है ये सुनहरा अवसर युवाओं के लिए बंपर भर्तियां लाया है। जी हाँ, शिक्षकों के पदों पर नौकरी करने वाले इच्छुक युवाओं के पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए सुनहरा मौका है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोग ने टीजीटी के 7,471 पदों पर वैकेंसीज निकाली हैं। हरियाणा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए जो निर्णय लिया है, काफ़ी लंबे समय से जो है युवाओं की मांग भी थी, काफ़ी लंबे समय से वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भर्ती निकले। सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, हम सरकार के निर्णय के लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं, विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने जो है शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षकों की भर्ती करने का जो निर्णय लिया है। इससे जो देश का भविष्य, जो हमारे बच्चे कहे जाते हैं, उनको भी जो है शिक्षा में जो है लाभ मिलेगा और साथ ही जो है युवाओं को भी जो है नौकरी के अवसर मिलेंगे। जरूर, ये जो है सरकार का एक सराहनीय कदम है। सरकार ने जो ये फैसला लिया है, ये युवाओं के हित में है। इन पदों पर आवेदन करने वाले योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की इस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों को adv2022.hryssc.in/static pages पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की एक बहुत अच्छा कदम है ये कि उन्होंने शिक्षकों के लिए भर्ती निकाल ली है, जिससे हम जैसे बेरोजगार लोगों को शिक्षा क्षेत्र में नौकरी हासिल होगी। तो कहने के देश का भविष्य बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, देश का भविष्य उज्जवल के लिए शिक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, क्या कुछ लाभ मिल सकता है? देखिए, जो बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है, उसको लेकर सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने शिक्षकों की भर्ती के लिए योजना निकाल ली है, जिससे सैकड़ों युवाओं को शिक्षा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होगा। टीजीटी के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि एचटेट पास होना अनिवार्य है। इसी के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12 और 13 नवंबर को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए अंतिम तारीख 27 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। तिथि अब 30 सितंबर रहेगी और जो करेक्शन के लिए 27 तारीख से 30 तारीख तक जो डेट दी गई थी, अब वो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपने को त्रुटि, किसी का अंगूठा ठीक नहीं आया, किसी सिग्नेचर ठीक नहीं आया है, या फोटो ठीक से अपलोड नहीं हुआ है, या कोई नाम में स्पेलिंग में कोई त्रुटि रहेगी, वो ठीक उसको ठीक कर 12 बजे तक लेवल 1 के 50,929, लेवल 2 के 1,24,431 और लेवल 3 के 83,847, कुल मिलाकर के 2,59,207 अभ्यर्थियों ने हमारे बोर्ड की साइट पर अपनी फीस भर दी है और बाकी 25,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन फीस नहीं भरी है। 3 अक्टूबर तक अपनी वो जो करेक्शन जो करना चाहते कर सकेंगे और जो फिजिकली चैलेंज है उनके भी कोई सुधार है, परिवर्तन है, कुछ करना चाहते हैं, फैक्स और ईमेल के द्वारा वो बोर्ड को सूचित कर सकते हैं, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। और हमारा प्रयास है कि बाकी भी परीक्षार्थियों का भी ऑनलाइन ही हम उनसे सब्जेक्ट ठीक करवाएं। बता दें कि हरियाणा में एचटेट प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल की थी, लेकिन हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने युवाओं को बड़ी राहत देते हुए इस वैधता को लाइफ टाइम के लिए कर दिया है। युवाओं की प्रगति की ओर हरियाणा सरकार का ये एक और अहम फैसला है, क्योंकि इससे पहले एचटेट की परीक्षा पास करने के बाद टीजीटी के लिए सिर्फ 7 साल तक ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब यही वैधता लाइफ टाइम के लिए हो गई है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए ये वाकई में बड़ा कदम उठाया। वहीं आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आवेदन लिए जाने के बाद आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा लेगा। परीक्षा 95 अंकों की होगी
और 5 अंक सामाजिक आर्थिक आधार पर तय होंगे। इसी आधार पर अध्यापकों का चयन किया जाएगा। युवाओं को रोजगार दिलाने में हरियाणा सरकार की ओर से एक और सराहनीय कदम शुरू किया गया है। भिवानी से अशोक भारद्वाज की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा सरकार के कामकाज के चलते हरियाणा निरंतर आगे बढ़ रहा है। सरकार का जो कामकाज है उससे हरियाणा का हर एक वर्ग काफी संतुष्ट है, क्योंकि हरियाणा सरकार का मकसद है पूरे प्रदेश का विकास हो, समान विकास हो। हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।